आपका बजट अंडर 15,000 है, इसी प्राइस में 5G के साथ में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें कि OIS कैमरा मिलेगा, जिसमें कि ब्लॉगिंग या फिर रील्स वीडियो बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं अंडर 15,000 के प्राइस में आने वाले टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इस टाइम आप खरीद सकते हैं। कैमरा के अलावा स्मार्टफोन में और भी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा जिसके साथ में गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, साथ में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले भी मिल जाएगा जिसमें कि मल्टीमीडिया वगैरह भी ज्यादा देखते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। और इसी तरह के टेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। ये तो बिल्कुल आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रियलमी के स्मार्टफोन से, और ये स्मार्टफोन है रियलमी 11X 5G। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस 14,558 है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। बैक में प्लास्टिक डिजाइन मिलेगा, साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, मीडियाटेक डायमंडसिटी 6100 प्लस का प्रोसेसर मिल जाता है, इसके साथ में आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 64MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का डेप्थ सेंसर है, और इस साइड के कैमरे से फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके कैमरे से जो फोटो खींचे जाते हैं उसमें कलर्स और डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे मिल जाते हैं। 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और इस कैमरे से भी फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। रियलमी का कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं अंडर 15,000 के प्राइस में, तो रियलमी 11X 5G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अगला स्मार्टफोन है लावा स्ट्रोम 5G। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस 13,499 है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। बैक में प्लास्टिक डिजाइन मिलता है, 6.7 इंचेस का एक बड़ी 120Hz पंच होल फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमंडसिटी 6080 चिपसेट मिल जाता है, जिसके साथ में कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड, इस साइड के कैमरे से फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके कैमरे से जो फोटो खींचे जाते हैं उसमें कलर्स और डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे मिल जाते हैं। 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और इस कैमरे से भी फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। इस टाइम आपका बजट 13,000 से लेकर 14,000 के आसपास है। कोई इंडियन ब्रांड का एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं जिसके साथ में आपको नियर स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो लावा स्ट्रोम 5G को जरूर से आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च भी किया गया है। अगला स्मार्टफोन है वीवो T2। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस 16,999 है। लेकिन इस स्मार्टफोन को ऑफर्स में परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली अंडर 15,000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। बैक में प्लास्टिक डिजाइन मिलता है, साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिल जाता है, ये एक 5G प्रोसेसर है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है जिसके साथ में कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। 6.3 इंचेस का 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले में 1300 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाती है। अंडर 15,000 के प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा है, जहां पे मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिल जाता है, कलर्स और डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं। 64MP OIS कैमरा के साथ में रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, इस सके कैमरे से फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके कैमरे से जो फोटो खींचे जाते हैं या फिर वीडियो जो शूट करते हैं उसमें कलर्स और डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे मिल जाते हैं। 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और इस कैमरे से भी फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। तो अंडर 15,000 के प्राइस में बेस्ट कैमरा के साथ में एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 5G का सपोर्ट चाहिए, तो वीवो T2 को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। जनरली अगर वीवो स्मार्टफोन की बात करें तो ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाता है। अगला स्मार्टफोन है मोटोरोला G54। 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस 13,999 है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। बैक में प्लास्टिक डायल मिलता है, साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, साथ में थिंग सिल्क की प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमंडसिटी 70205G प्रोसेसर मिल जाता है, इसके साथ में कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। 6.5 इंचेस का पंच होल फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है। रियर में OIS डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी सेंसर है, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, और इस कैमरे से फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके कैमरे से जो फोटो खींचे जाते हैं उसमें कलर्स और डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं। 16MP का सेल्फी कैमरा भी जाता है, और इस कैमरे से भी फुल HD में वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 30W टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। तो इस समय अगर आपका बजट अंडर 40,000 है और इस प्राइस में स्टॉक एंड्रॉइड, 5G का सपोर्ट, पावरफुल प्रोसेसर के साथ में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अगर बाय करना चाहते हैं,
तो मोटोरोला G54 को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। और मोटोरोला के स्मार्टफोन में जो हमें सबसे अच्छा लगता है कि इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, कुछ भी ब्लॉटवेयर, कुछ भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस मिल जाता है। फाइनली अब हम बात करने वाले हैं जो मेरे लिस्ट के टॉप नॉच कैमरा स्मार्टफोन है उसके बारे में। और ये स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F34 या फिर M34। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस 15499 है, लेकिन इस स्मार्टफोन को आप इजीली अंडर 15000 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो बैक में प्लास्टिक डायल मिलेगा, साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए एक जाइनोस 1280 का 5nm प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में एंड्रॉइड 13 मिलेगा, One UI 5.1 मिल जाता है, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस फोन में सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे कलर्स और डिटेल्स वगैरह नेक्स्ट लेवल का मिल जाता है। रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो। इस कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 13MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इस कैमरे से भी फुल HD वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जनरली अगर सैमसंग का स्मार्टफोन की बात करें तो ऐसे भी इसका कैमरा काफी अच्छा होता है। 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। अंडर 15000 के प्राइस में सैमसंग का कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं इस टाइम, तो सैमसंग गैलेक्सी F34 या फिर M34 को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।